हाय, दिस इज पूनम शर्मा एंड वेलकम टू सद्भावना न्यूज। आज अपनी एक्टिंग और सिंगिंग से सभी को इम्प्रेस करने वाले एक्टर रजनीकांत के दामाद और साउथ सुपरस्टार धनुष कभी एक्टिंग नहीं करना चाहते थे, बल्कि होटल मैनेजमेंट का कोर्स करके शेफ बनना चाहते थे। 28 जुलाई 1983 को जन्मे धनुष साउथ के फिल्म डायरेक्टर कस्तूरी राजा के बेटे हैं। अपने बड़े भाई के कहने पर उन्होंने एक्टिंग करियर की शुरुआत की थी। धीरे धीरे उनकी एक्टिंग को पसंद किया जाने लगा और इसी बीच धनुष ने अपनी सिंगिंग को भी डिस्कवर किया और गाने भी लगे। आज साउथ में एक्टर की बड़ी फैन फॉलोइंग है। धनुष की फैन फॉलोइंग यूं तो अब सारी दुनिया में ही है, मगर धनुष की पॉपुलैरिटी तब सबसे ज्यादा बढ़ी जब वे सोनम कपूर के अपोजिट फिल्म रांझणा में नजर आए। धनुष ने साल 2013 में आनंद एल राय की फिल्म रांझणा से अपना बॉलीवुड डेब्यू किया। फिल्म में उनकी एक्टिंग को खूब पसंद किया गया और उन्हें बेस्ट डेब्यू के फिल्म फेयर अवार्ड से सम्मानित किया गया। एक एक्टर, एक सिंगर और एक लिरिसिस्ट, धनुष को हर रूप में फैंस पसंद करते हैं और साउथ में उनके प्रति लोगों की अलग ही दीवानगी है। उनके द्वारा गाए गए गाने वाई दिस कोलावेरी डी ने तो पूरी दुनिया में धमाल मचा दिया था। भले ही कद काठी से वे दूसरे एक्टर्स जैसे न हो, मगर वे एक दमदार शख्सियत हैं। पर्सनल लाइफ की बात करें तो धनुष मेगा स्टार रजनीकांत के दामाद हैं। उन्होंने साल 2004 में रजनीकांत की बड़ी बेटी ऐश्वर्या आर धनुष से शादी कर ली। उनके दो बेटे हैं, यात्रा और लिंगा। वर्क फ्रंट की बात करें तो एक्टर ने पिता कस्तूरी राजा की फिल्म तुल्लुवाडो इलामाई से अपने एक्टिंग करियर की शुरुआत की। अपने भाई के निर्देशन में बनी फिल्म काढ़ाल कोंडेन में उनकी एक्टिंग को खूब पसंद किया गया। उन्हें बेस्ट एक्टिंग के तमिल फिल्म फेयर अवार्ड के लिए नॉमिनेट भी किया गया था। फिर साल 2015 में बॉलीवुड में वे आर बाल्की की फिल्म शमिताब में नजर आए। फिल्म में वे महानायक अमिताभ बच्चन के साथ काम करते नजर आए। अब साल 2021 में धनुष की तीसरी बॉलीवुड फिल्म अतरंगी रे रिलीज की जाएगी।